इंडियन एयरलाइंस के बाद अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी का एक ईमेल मिला है और ईमेल भेजने वाले ने ऐसा ना करने पर बिटकॉइन में 10 लाख अमरीकी डॉलर की मांग की है। इसकी सूचना पुलिस ने शुक्रवार को दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बृहस्पतिवार को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद शहर थाने में FIR दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। हवाई अड्डे का संचालन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अधिकारी ने कहा, ईमेल बृहस्पतिवार को सुबह 11:06 पर हवाई अड्डे के फीडबैक इनबॉक्स में प्राप्त हुआ था। 10 लाख अमरीकी डॉलर की बिटकॉइन में मांग MIAL कंपनी के फीडबैक ईमेल पर आया था। संदेश भेजने वाले ने हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विस्फोट न करने के लिए 48 घंटों के भीतर बिटकॉइन में 10 लाख अमरीकी डॉलर की मांग की है। ईमेल में लिखा है, यह आपके हवाई अड्डे के लिए अंतिम चेतावनी है। अगर बताए गए पते पर बिटकॉइन ने 10 लाख अमरीकी डॉलर ट्रांसफर नहीं किए गए तो हम 48 घंटों में टर्मिनल 2 को बम से उड़ा देंगे। अगले 24 घंटे में एक और चेतावनी संदेश भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ईमेल प्राप्त होने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर MIAL की गुणवत्ता और ग्राहक सेवा विभाग के एक कार्यकारी ने शहर थाने में संपर्क किया और संदेश भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर भारतीय IPC धारा 385 और 505 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।